लाप्लास ऑफ इंटीग्रल दिया हुआ है, तो पहले तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 1/s, और इनसाइड जो फंक्शन है मैं इसको टी फॉर्म में लिख देता हूँ, टी इनवर्स ई रेस टू माइनस टी एंड साइन यू वी शुड राइट एज साइन टी. तो वी हैव दैट वी हैव लर्नड लास्ट टाइम कि इंटीग्रल बिकम्स 1/s एंड द फंक्शंस इनसाइड आर रिटन इन टर्म्स ऑफ टी. एक और स्टेप लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर. टी इनवर्स एक्चुअली अपॉन टी होता है, तो एग्जैक्टली ये फंक्शन हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी साइन टी डिवाइड बाई टी. द टर्म विल बी रिटन लाइक दिस प्रॉपर है. अब यहाँ पर देखते हैं तो ये दो प्रॉपर्टी पे बेस दिख रहा है. एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाइड है इसलिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, और टी नीचे डिवाइड में आ गया इसलिए डिविजन बाई टी प्रॉपर्टी है. तो वी बेटर सॉल्व इट सेपरेटली हियर, क्योंकि दो प्रॉपर्टी मर्जर एक साथ सॉल्व नहीं करते, हम क्वेश्चन को अलग अलग कर लेते हैं. लेट अस फर्स्ट सॉल्व ओनली साइन टी. साइन टी का लाप्लास एज वी नो 1/s² + 1 होता है. उसके बाद लेट अस सॉल्व नॉट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट डिवीजन बाय टी. डिवीजन बाय टी होता था एक इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन जिसका लिमिट s टू इंफिनिटी, s एंड द अपर लिमिट इंफिनिटी एंड द फंक्शन इनसाइड वही जो ऊपर बना दिया है 1/s² + 1 ds. Then we learnt इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो बन जाता है आंसर tan inverse s upon 1. And here we have to put the limit from s to infinity. So this is not something new I am doing it. ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, division by t वाला concept, वही चीज repeat हो रही है. Then you substitute infinity first so that it become tan inverse of infinity. Or minus second time तो वो tan inverse of s ही रह जाता है. Then we know tan inverse infinity एक value होती है which is 90 degrees pi by 2. So Laplace sin t by t becomes equal to pi by 2 minus tan inverse of s. और सिंप्लीफाई करते हैं, इफ यू रिमेंबर पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स को हम फाइनली आंसर लिख सकते हैं कॉट इनवर्स s. तो वी हैव सिंप्लीफाइड साइन टी बाय टी कंप्लीटली. अब क्वेश्चन में एक और पार्ट है ई रेस टू माइनस टी, तो वी मल्टीप्लाई ई रेस टू माइनस टी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ई रेस टू माइनस टी साइन टी डिवाइड बाय टी, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी गेट्स अप्लाइड. मतलब s की जगह चेंज आ जाएगा s+1 का. फाइनली लैपलास ई रेस टू माइनस टी साइन टी बाई टी कंप्लीट हो गया. बट व्हाट वाज द क्वेश्चन, वी हैव टू फ्रेम द आंसर प्रॉपरली. क्वेश्चन था ये वाला लैपलास ऑफ, द क्वेश्चन वाज लैपलास ऑफ ई रेस 0 टू टी यू इनवर्स ई रेस टू माइनस यू साइन यू डी यू इक्वल टू, हमने इसका आंसर रेडी कर रखा था ये वाला 1/s लैपलास ई रेस टू माइनस टी साइन टी बाई टी. सो नाउ वी शुड राइट द आंसर 1/s और ई रेस टू माइनस टी साइन टी रेडी हो गया हमारे पास कॉट इनवर्स s+1.